हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेरा कैमरा है कैनन A6 430 का, उसका सारे सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जो कि है फिल्टरिंग, कलर फिल्टरिंग होगा, ISO, शटर स्पीड और ब्लर का भी, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ एकदम क्लियर है। सो एंड तक वीडियो को देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत सारी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये जो कैमरा है पावर शॉट A6 430 IS, तो इसके जो सेटिंग्स है, तो सबसे पहले आपको फंक्शन सेटिंग्स पे क्लिक करने का है और यहाँ पे आप सारे मोड्स देख सकते हो। ये सारे मोड्स मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए पहले मोड से शुरू करते हैं। तो ये जो है प्रोग्राम AE, उसमें से हम ISO कितना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। फिर वाइट बैलेंस है, आप यहाँ पे अलग अलग डे लाइट, क्लाउडी, जो जो भी सीज़न हो, यानी कि डे में आपको शूट करने का है, नहीं तो अगर क्लाउडी है यानी कि बारिश के रेनी सीज़न है तो भी आप बहुत बढ़िया तरीके से सेटिंग लगा के शूट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है कलर एडजस्टमेंट। जो कलर एडजस्टमेंट में है, विविड है, फिर न्यूट्रल है, बहुत सारे कलर फिल्टर्स है। तो ये ब्लैक एंड वाइट, फिर पॉजिटिव फिल्म, ये सारे चीज़ें ऑप्शन प्रोग्राम AE में है। और ये है लाइट मीटरिंग, ये देखो। तो अभी बढ़ते हैं हमारे दूसरे मोड की तरफ, ये लाइव मोड है। तो ये लाइव मोड में इजी पिक्चर एडजस्टमेंट होता है, ये देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखेगा। तो इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ जब भी हम फोटो निकालेंगे तो लाइव कैप्चर मोड ऑन होगा और यहाँ से हम इन्फो दबा के यहाँ पे लाइट ये एडजस्ट भी कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा। फिर विविड चाहिए, नहीं तो न्यूट्रल चाहिए, कूल वार्म, ये सारे चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। देखो, तो अभी हम जाएंगे तीसरे मोड पे। तीसरा मोड है पोर्ट्रेट मोड, जहाँ पे आप ब्लर कर सकते हो कौन सी भी चीज़, लेकिन ब्लर करने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। का हम शूट करेंगे ना तभी जाके अपना ब्लर दिखेगा, पास से ब्लर नहीं आता पोर्ट्रेट मोड में। फिर उसके बाद आता है फेस सेल्फ टाइमर, मतलब आपको अगर खुद का ही फोटो निकालने का है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कितने शॉट्स आपको चाहिए और वो ऐसा क्लिक कर देगा। फिर उसके बाद आता है लो लाइट। लो लाइट में क्या होता है, अगर ये हम नाइटस्केप जो हमारे मोबाइल पे होते हैं नाइट फोटो मोड, वो वैसा ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मोनोक्रोम। मोनोक्रोम के बाद, मोनोक्रोम इज़ लाइक अ सिंगल कलर टोन, मतलब ब्लैक एंड वाइट ही है, ज़्यादा कुछ नहीं उसमें, ब्लैक एंड वाइट फिल्टर लगता है। फिर उसके बाद में आता है फिश आई इफ़ेक्ट। फिश आई इफ़ेक्ट आप देख सकते हो थोड़ा सा टिल्ट आया है लैपटॉप में, आप देख सकते हो पहले का देखो पूरा स्ट्रेट है, फिर यानी कि फिशाई का इफ़ेक्ट देता है ये। फिर उसके बाद में है टॉय कैमरा इफेक्ट, इसका एक ही फिल्टर है, डार्कनेस इमेज एज टू क्रिएट एन डिस्टिंक्टिव फील, मतलब ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एजेस ब्लैक हुए हैं वो उसका ही उतना काम होता है, यानी कि विंटेज फील देते हैं ना वो वैसा ही है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे मिनिएचर इफेक्ट। मिनिएचर इफेक्ट में क्या होता है, अगर हम दूर से किसी बस या फोर व्हीलर का फोटो निकालते हैं तो वो बहुत छोटा दिखेगा असली, मतलब अगर हम नॉर्मल फ़ोटो से खींचेंगे उससे अलावा, ठीक है। तो अभी सुपर विविड है। सुपर विविड में क्या होता है, आप देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ, सुपर विविड में एनहांस करता है हर एक फ़ोटो को, सुपर विविड एनहांस करता है, आप देख सकते हो पूरी तरह एनहांस हो चुका है और बहुत बढ़िया भी लग रहा है फ़ोटो निकालने के बाद। तो ये सारी सेटिंग है। फिर उसके बाद में आता है पोस्टर इफेक्ट। पोस्टर इफेक्ट का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो शूट इमेज लाइक अ पोस्टराइज इफेक्ट, मतलब पोस्टर का फील देता है बस उतना ही। फायरवर्क्स, मतलब रात को जब हम फायरवर्क्स यानी कि फटाखे फोड़ते हैं, फोटांकों की फ़ोटो हम निकाल सकते हैं इस इफेक्ट से। और ये जो है ये लॉन्ग शटर है, यहाँ पे आप शटर स्पीड आपको जितना भी चाहिए उतना एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि ये देखो अभी यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस साइन पे जाने के बाद आपको जितना चाहिए उतना, ये 15 तक शटर स्पीड देगा आपको,
तो आपको जितना चाहिए उतना आप सेट करके पिक्चर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इतने ही थे सेटिंग्स, होप आपको समझ में आया होगा। सो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो और सेटिंग समझ में आए हो सारे के सारे। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ताकि वीडियो आने पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।